हेलो गाइस, फिर से आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स पे। और ये सेशन बेसिकली आरआरबी पीओ मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, हालांकि उसके आगे भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज हम सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस स्टूडियो वॉल्स में आपका मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है और मैं यूट्यूब पर डेली 3 क्लासेस लेता हूँ, फ्रॉम 9 टू 11, 9 AM to 9:30 करंट अफेयर्स, 9:30 to 10 AM हम बात करते हैं MCQs ऑन करंट अफेयर्स डेली वाली, और 10 AM पे हम बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। मतलब जैसे आज हम बात करेंगे, आज तो हमारी CA की बात है और कल हम बात करेंगे स्टैटिक्स की। ठीक, मतलब जो हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, रिवर, डैम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हम इसकी बात करेंगे गाइस। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस। तो मैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स में आता हूं, तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेड बैचेस, मेरे फ्री लेसन्स, मेरे स्पेशल क्लासेस, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे यहां पर गाइस। तो अगर हम बात करें कि अनअकैडमी हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हमें अनअकैडमी का प्लस कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले प्रोसेस क्या है, देखिए, तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। अगर आप इंस्टॉल करते हैं गाइस, तो आपके सामने चूज योर गोल का ऑप्शन आएगा, मतलब कि आप कौन कौन से एग्जाम देना चाहते हैं। तो एग्जाम की बात करें तो वी हैव सो मच ऑप्शंस। मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि बैंक का एग्जाम, अगर मान लीजिए हमको बैंक का एग्जाम देना है, हम यहां पे क्लिक कर देंगे, और जब यहां पर हम क्लिक कर देंगे फिर क्या होगा हमारे सामने, हमारे सामने ये पेज खुलकर आएगा जिस पेज में आपको बताया गया है कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों जरूरी है अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना। देखिए गाइस, मैंने अभी आपको बैंकिंग का एग्जांपल दिया, तो हम बैंक को ही लेके आगे चल रहे हैं। अब इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, किसी भी प्लेटफॉर्म के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो अनअकैडमी प्लस पर हैं। ठीक, आपने एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है, तो आपको बेटर एजुकेटर चाहिए, और हो सकता हो कि आपको ज्यादा कंटेंट चाहिए, और आपको मतलब कम से कम, अगर हम क्वांट की बात करें तो मुझे तो कम से कम 5 एजुकेटर चाहिए, क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन तभी हो पाएगा जब मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पर्सनल इंट्रैक्शन मिलेगा, फैकल्टी की बात समझ में आएगी। मुझे कम से कम रीजनिंग के 10 एजुकेटर चाहिए, मुझे जीए के 5 चाहिए। मुझे कहां मिलेंगे, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं इतने एजुकेटर। तो अनअकैडमी प्लस पर क्या है, हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है कंटेंट का, क्वेश्चंस का, इंटरेक्शन का, सब सब चीज का। तो ठीक है, हमें ज्वाइन करना है। ठीक, हमने 12 मंथ पे क्लिक कर दिया, हमारे सामने ये पेज खुल के आएगा जहां पर हमारी फीस 6000 है, लेकिन 6000 फीस को हम कम कर सकते हैं। कैसे, आपके इसी पेज में यहां पर एक गैप होगा, उसमें आप AM कोड डाल दीजिए, अभिजीत मिश्रा, AM अभिजीत मिश्रा, तो आपकी फीस कम होकर 5400 हो जाएगी। ये वन टाइम फीस है, और वन टाइम फीस में एक साल के लिए आपका अनअकैडमी का एजुकेटर, अनअकैडमी का पूरा प्लस कोर्स आपके लिए खुल गया। जितने मोर देन 60 एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर, सबके कोर्स आपके लिए ओपन है, जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी आपके सामने, सब कुछ आपके साथ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी फैकल्टी का, किसी एजुकेटर का टाइमिंग आपसे मैच नहीं कर रहा है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, कंटेंट मैच नहीं कर रहा है, ढेर सारे ऑप्शन है, बहाना है ही नहीं। और एक बात और गाइस, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक साल का कोर्स ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, उसके साथ ही साथ देखिए मैं आपको बताऊं तो ये जो मेरा कोड है ना, AM कोड, ये केवल बैंक के लिए नहीं है, SSC, रेलवे, UPSC, CAT, जो भी आपको एग्जाम लेना है आप एडमिशन ले लीजिए, इस कोड से आपको एडमिशन हो जाएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो AM कोड आपको ध्यान देना गाइस। ठीक है, चलिए, तो गाइस हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है, और 2 साल के मॉडल की फीस है 9600। 2 साल के लिए अनअकैडमी प्लस आपके लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको ये फीस लग रही ज्यादा, कोई बात नहीं, AM कोड डालिए और आपका क्या होगा, यहां पर आपका डिस्काउंट होकर 8640 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए आप अनअकैडमी प्लस को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, तो मॉडल पेपर पार्ट 2 की बात करेंगे, बिकॉज पार्ट 1 में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1 में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए पार्ट 2 की हम बात करने वाले हैं। अब पार्ट 1 मैंने कब पढ़ाया, अगर आप सोच रहे हैं तो आप चले जाए शनिवार को, लास्ट सैटरडे को, तो लास्ट सैटरडे को मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका मॉडल पेपर का, और आज हम मॉडल पेपर पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम CA की बात करेंगे, लेकिन क्लास हमारी 60 मिनट है, तो अगर CA के क्वेश्चन पहले खत्म हो जाते हैं तो फिर मैं आपको बैंकिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसीलिए ये मॉडल पेपर मैंने नाम रखा इसका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ल्ड वाटर वीक 2019 इज ऑब्जर्व फ्रॉम, तो विश्व वाटर वीक जो है, मतलब वाटर वीक ये जो है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। वी हैव 5 ऑप्शंस और आपको इसका सही आंसर देना है। वर्ल्ड वाटर वीक लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है।
पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइस और आपको सही आंसर देना है। आपका ये टेस्ट है, मतलब ये मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको, आपको आता है कि नहीं आता है वो देख लीजिए, कहां पर कितनी मेहनत करनी है वो भी आपको देखना है। और अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं किसी के भी, आंसर क्या होंगे ये आपको बताना है। और यहां पर अभी तक आंसर नहीं आए, आंसर दो जी, एंड द आंसर इज 25 to 30 अगस्त। तो ऑप्शन हमारा ये है, आंसर इज राइट। ठीक है गाइस, तो ये हमारा था आंसर, हमने इसे कर लिया। हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा, विच टीम वॉन द 93rd ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट टाइटल फॉर द ईयर 2019 इन चेन्नई तमिलनाडु, इन चेन्नई तमिलनाडु। चलिए और अब आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा। और यहां पे आंसर आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इंडियन रेलवे। क्या इंडियन रेलवे सही आंसर है, और इंडियन रेलवे जीता तो इंडियन रेलवे ने किसको हराया। तो अगर आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज राइट आंसर। 93rd ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC इज राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक जीता जी मुरुगप्पा कप, देख लो एक बार फिर से देख लेना। तुम लोग के सारे के आंसर आ रहे हैं क्या है भैया, कहां क्या है ये मुरुगप्पा कप गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, लास्ट ईयर तो नहीं लेकिन उसके पहले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए तीसरा क्वेश्चन हमारा। तो हु बिकेम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू विन 3 स्ट्रेट यूएस ओपन मिक्स डबल टाइटल इन ऑलमोस्ट 60 ईयर। देखिए हमने यूएस ओपन की बात की, लेकिन हमने यूएस ओपन में पहले तो हमने मिक्स डबल की बात की। अब मिक्स डबल में एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, तो यहां पर आपसे मेल क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से किसने, कोई मेल प्लेयर है जिसने लगातार 3 साल से यूएस ओपन का मिक्स डबल फाइनल जीता है, कौन है ये पर्सन भाई। रेस टू अंशु बेटा, ये वैसे अगस्त सितंबर मिक्स है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे, आप जिस भी एग्जाम में जाइए। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। और मैं बोल रहा हूं मेल, तो वीनस विलियम्स तो हो ही नहीं सकती है यार, और वीनस है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में वीनस भी नहीं है। आंसर इज जेमी मरे यार, इंग्लैंड की जेमी मरे, जेमी मरे बहुत बढ़िया खेलते हैं बैडमिंटन, जेमी मरे इज राइट आंसर। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एडिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड फ्रॉम August 26 to September 8, 2019। तो यहां पर अगर हम बात करें यूएस ओपन की, तो आप लोग यूएस ओपन जान चुके हैं अच्छे से। तो यूएस ओपन की बात करें गाइस, तो यूएस ओपन आपसे पूछा गया है कि कौन सा एडिशन था। देखिए मेल सिंगल फीमेल सिंगल ये सब आपने पढ़ा होगा मुझे पता है, तो मैंने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। एक तो मैंने आपसे क्या पूछा, एंडी मरे वाला क्वेश्चन, अब मैं आपसे एडिशन पूछ रहा हूं, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। रिस टू अंशुल 0 out of 3, वेरी गुड। और यहां पर बोल रहे हैं प्रपेश सर 145, सुमित बोल रहे हैं 139, विनोद दास बोल रहे हैं 139, और इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज 139। तो इस बार का यूएस ओपन का ये 139वां एडिशन था, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज अपॉइंटेड एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑन सेप्टेंबर। चलिए मैंने आपको खाता खोलने का मौका दे दिया, जितने बच्चों ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला जीरो पर खेल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन दिया है, एक रन बना लीजिए यहां पर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, आंसर दीजिएगा इस। महिमा ये तो आएगा ना, मैंने क्या बोला, खाता खोल लीजिए अपना अपना आप लोग, सिंपल क्वेश्चन दिया है भैया लोग।
और आंसर क्या होगा यहां पर, सर फिर से बोल रहे हैं पास, विक्रम अधिकारी बोल रहे हैं, राजीव कुमार, सुमित बोल रहे हैं, अनंत महेश्वरी, ठीक है, कितने लोग का खाता निकला जरा मुझे बताइएगा, आंसर इज राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन के बाद भी कितने लोग अभी तक जीरो पे खेल रहे हैं कमेंट करिएगा, हाँ कि मी मी मैम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा। इस क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन सिंपल था, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द ईयर 2019 एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। गाइज मैं आपको ये अपने सीए में पढ़ा चुका हूं, मैं आपको अपने सीए में ये पढ़ा चुका हूं, आई होप कि आपको याद होगा। तो व्हाट इज द ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द ईयर 2019 एज पर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो यूएन इश्यू करता है, ठीक है। तो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये आपसे पूछा गया। प्रोफेसर फिर से पास, प्रोफेसर पूरा आप डिफेंसिव खेल रहे हैं, पूरा मतलब बॉल आ रही है आप वहीं पे रोक दे रहे हो राहुल द्रविड़ की तरह। रिस्टुअल बोल रहे हैं 72.6, मनीष मान भी बोल रहे हैं, कीर्ति भी बोल रही है ऑप्शन नंबर 3 नहीं 75.5, ओके। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 72.6 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो 72 साल 6 महीना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की 2019 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस नहीं पल्लव एग्जैक्टली मैं पल्लवी इसके ये तो देखिए अभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, विच स्टेट मेल एंड फीमेल हैव द बेस्ट चांस ऑफ लिविंग द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 73.3 ईयर एंड 77.8 ईयर रिस्पेक्टिवली एट बर्थ। यानी कि हम बात करें तो देखिए, तो मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं, हैव द बेस्ट चांस ऑफ लिविंग द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 70.3 ईयर्स एंड 77.8 ईयर रिस्पेक्टिवली। तो मेल की बात करें, मेल 73.3 किस स्टेट में, फीमेल की बात करें 77.8 किस स्टेट में, ये आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए। प्रवेश सर बोल रहे हैं हिमाचल एंड केरला, प्रवेश सर ने अपना खाता खोलने की कोशिश की यहां पर। प्रवेश सर आगे बढ़े हैं और इस बार शॉर्ट मारने के चक्कर में है। और एचपी केरला सर मुझे एक भी नहीं आ रहा, महिमा कोई बात नहीं बेटा, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, एंड द आंसर इज दिल्ली एंड केरला, और प्रवेश सर बोल्ड हो गए, दिल्ली एंड केरला। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मेल की बात करें दिल्ली, फीमेल की बात करें केरला, जहां पर सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए खाता खोलने का एक मौका और। व्हाट इज द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया फॉर द ईयर 2013-70 एज पर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सैंपल रजिस्ट्रार ऑन रजिस्ट्रेशन सर्वे। तो व्हाट इज द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें एट बर्थ इन इंडिया फॉर द ईयर 13-17 के सर्वे के हिसाब से आपसे पूछा गया। ये मैं अपने सीएम पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब आप लोग पढ़े तब ना। कीर्ति कोई बात नहीं बेटा, जिद है तो जिद है, इन सबको पॉजिटिव चीज लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, 69 ईयर, ऑप्शन नंबर 1। तो 69 ईयर इज राइट आंसर, 69 ईयर राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए सिंपल क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेगा फूड पार्क इन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप रोहतक। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। मैं भी पानी वानी पी लूं, यहां कब से बोल रहा हूं, आंसर ले लो जल्दी जल्दी, चलो फटाफट। और आंसर क्या होगा, आंसर इज नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर जी। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा मेगा फूड पार्क का इन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप रोहतक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नहीं नमो है, खट्टर नहीं है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं आपके सामने। व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर द ईयर 2018-19
After the implementation of the Beti Bachao Beti Padhao program in 2015, it is very very important question guys. आपको बताया स्मृति ईरानी जी ने इसको बताया और स्मृति ईरानी जी ने बोला कि 13 पॉइंट में सुधार हुआ है, 13 पॉइंट में सुधार हुआ है. तो 13 पॉइंट सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ है आफ्टर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. ठीक है, आंसर दीजिएगा. और मीनू बोल रही है 931, सुमित बोल रहे 913. सुमित बेटा इतना अत्याचार मत करो बेटा, गलत है. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 931, इट्स नॉट 913. तो 931 पॉइंट पहुंच गया है, 13 पॉइंट का सुधार आया है. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. तो मेरे ख्याल से कई लोगों का खाता खुला होगा इस क्वेश्चन से, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की. तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, तो गाइस आपको पता है कि सितंबर महीना जो होता है हर साल वो न्यूट्रिशन माह होता है, मतलब न्यूट्रिशन महीना होता है. तो वीक किस कौन से डे मनाए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक. आंसर दीजिएगा. प्रोफेसर अभी आप माइनस में चल रहे हैं, कोई बात नहीं सर, आप तो सोल्जर हैं, आप तो रिकवर कर लेंगे बहुत जल्दी. चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सितंबर 1 to 7. सितंबर 1 to 7 नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, देख लीजिए एक बार. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विथ एनिमल प्लैनेट एंड रोहित शर्मा फॉर लॉन्चिंग रोहित फॉर राइनो कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोस. आपको मालूम है गाइस कि रोहित शर्मा जो है वो राइनोस के समर्थन में आगे आए हैं. कैंपेन का नाम क्या है? रोहित फॉर राइनोस, है ना. तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विथ एनिमल प्लैनेट एंड रोहित शर्मा फॉर लॉन्चिंग रोहित फॉर राइनोस. आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पर. चलिए अब यहां पर बात हो रही है WWF की. क्या WWF इज राइट आंसर? तो WWF की बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, एंड द आंसर इज WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. बढ़िया पॉइंट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. ठीक है, तो हाउ मच मिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन हैव रीच्ड ऑन एन ओवरऑल हाई बाय द एंड ऑफ अगस्त 2019. यूपीआई की बात कर रहे हैं, हम सब यूपीआई का यूज करने लगे हैं आजकल. आप चाहे फोन पे की बात करें, चाहे आप गूगल पे की बात करें, भीम की बात करें, सब यूपीआई हैं. तो आपसे पूछा गया है कि अगस्त लास्ट तक यूपीआई से अगस्त में ट्रांजैक्शन कितना पहुंच गया है, ये आपसे पूछा गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर भी देना है. राजन सर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, घुमा के ही आएंगे, है ना. और यहां पर अपने मन से लोग तुक्का मारते हुए और कितने तुक्के सही होते देखते हैं. एंड द आंसर इज 918 मिलियन. कुछ लोग के सही भी हैं. प्रवेश सर आप कंफर्म नहीं हो, अधिकारी एक दिन अधिकारी जरूर बनेंगे. ठीक है, और सब के सब 1028 1028. ललिता ठीक है, रिया ठीक है, इतिश्री बिल्कुल सही है. ठीक है, विक्रम अधिकारी सही है आपका. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं आपके सामने गाइस, आंसर दीजिएगा. Which small finance bank was barred from opening new branches by Reserve Bank of India? It is simple से भी simple question. सब लोगों को बता इसका answer क्या होगा? मैंने खुद पढ़ाया हुआ है question यह. Answer दीजिएगा. राजन क्यों नहीं? अगर आप last year question देखेंगे तो NTPC में last year बहुत घुमाया था question. और मीनू बोल रही है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुमित बोल रहे हैं क्विटस, कीर्ति बोल रही है 918. कीर्ति रिफ्रेश करिए एक बार, आप बराबर पहुंचिए. इक्विटस इक्विटस, और यहां पर इक्विटस की बाढ़ आ गई. और आंसर क्या होगा? आंसर इज इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक इज राइट आंसर. रोहित मीना बोल रहे हैं कि 13 में से एक आंसर में. रोहित कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, यहीं पर आपको आगे बढ़ना है और अपना रॉकस्टार वाला जो इमेज है वो आगे दिखाना है कि नहीं सर अगली बार हम बढ़िया करके आएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द 2019 यूनिसेफ साउथ एशिया पार्लिया. अब देखो इसका आंसर नहीं दे पाया तो बेकार है. इसका आंसर अगर आपने आज का मेरा सीए देखा है तो शायद आप आंसर दे लो उसका. मैंने अभी अपने सीए में रिविजन कराया, यही तो हमारे सीए की खासियत है. चलिए आंसर दीजिएगा.
ये तो हो जाएगा प्रोफेसर ना, ये तो पढ़ाया है मैंने। आशीष झा बोल रहे हैं कोलंबो श्रीलंका, और प्रोफेसर बोल रहे हैं कोलंबो श्रीलंका, अर्जुन बोल रहे हैं कोलंबो, नेहा बोल रही हैं कोलंबो, जिन्होंने आज मेरा सीए देखा होगा सब इसका सही आंसर देंगे। आंसर इज कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वेरी गुड, तुम लोग तो बड़े ब्रिलियंट हो यार, कैसे ये चेंजेस कैसे आए तुम्हारे अंदर, तुम लोग इतना कैसे पढ़ सकते हो यार, मतलब कोई इतना अच्छा कैसे पढ़ सकता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी रिविजन ना कराया था, इसमें भी कई लोग घूमते हैं ना, खाता ना खोलते लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं ना, तो विथ विच कंट्री इंडिया है साइंड 2 MOU, दो MOU साइन हुए, ठीक है, टू एनहेंस डिफेंस एजुकेशनल एक्सचेंज एंड एक्सटेंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू ईच अदर नेवीज। आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, एक्सटेंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए और डिफेंस एजुकेशन एक्सचेंज के लिए। किस कंट्री के साथ इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है, आंसर दीजिएगा। नहीं सुमित भाई, मैं कहा, मेरी हैसियत कहा कि मैं तुम लोगों का मजाक बनाऊं। अधिकारी साहब मैं तो बोलता हूं अधिकारी बनूंगी, मैं एम्बेस कहां कर रहा हूं। नहीं नहीं सुष्मिता, देखो ये लेने लेने के ऊपर है, मैं तो इतना प्यार तुम लोगों से करता हूं, इतना तुम लोगों को मानता हूं, इतना तुम लोगों की बातें सुनता हूं, मैं कभी तुम लोगों को जवाब देता हूं, और मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं इतना निडर हो सकता हूं कि मैं तुम लोगों को कुछ बोल सकता हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत गरीब सा इंसान हूं, मैं बहुत दबा हुआ कुचला हुआ इंसान हूं, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा तुम लोग को। चलो आंसर दो, आंसर क्या होगा, आंसर इज साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखिए इनहेंस डिफेंस एजुकेशनल एक्सचेंज एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू ईच अदर नेवीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए तो हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेट्रो कोच इन मुंबई अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वर्थ ₹19,000 करोड़। ये पॉइंट आपको लर्न करना जरूरी है, 19,000 करोड़ रुपए इन महाराष्ट्र मुंबई। तो किसने भारत का पहला मेट्रो कोच का इनॉग्रेशन मुंबई में किया है जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बना है, 19,000 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में। मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका आंसर दे लेंगे। हाँ रिच अंशुल दीन दुखिया है और प्रोफेसर बोल रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, प्रियंका बोल रही है नमो, पल्लवी बोल रही है मोदी, नमो मोदी, नमो ऑप्शन में है क्या, नमो ऑप्शन में है, चलो ठीक है। और आंसर क्या होगा यहाँ पे, आकाशदीप फिर से अपना कोडवर्ड यूज करते हुए AC1127 एंड द आंसर इज नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, ठीक। Who will chair the task force constituted by Nirmala Sitharaman for drawing up national infrastructure pipeline of ₹100 lakh crore means $1.4 trillion from the fiscal year 2019-20 to 2024-25? Answer क्या होगा देख लीजिए कि who will chair the task force constituted by Nirmala Sitharaman for drawing up national infrastructure pipeline? आपको पता है कि हमारी भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 lakh crore रुपीज खर्च करने वाली है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी को लीड कौन कर रहा है ये आपसे पूछा गया। और यहां पर आप लोग बोल रहे हो अतानु चक्रवर्ती, क्या ये सही आंसर है? तो अतानु चक्रवर्ती जो है ये कौन है इनके बारे में जान लीजिए, ये हमारे देश के सेक्रेटरी हैं, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ठीक है। तो अतानु चक्रवर्ती इज राइट आंसर और सबने आंसर दिया है, अभी आप लोग रास्ते पे आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फूलपुर इंडिया फ्लावर्स देयर मिथ ट्रेडिशन एंड यूसेस? आई थिंक ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, रिवीजन भी कराया मैंने, कई बार कराया रिवीजन, और मेरे सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे, ये मेरा विश्वास है। आंसर दीजिएगा। श्याम सर डिकोड नहीं करते, देखो श्याम सर हैं, श्याम श्याम सर के नाम में श्याम है, श्याम तेरी बंसी याद है कुछ, तो श्याम सर बहुत बड़े आदमी है, अब उन लोग की बात क्या करें। और यहां पर आंसर है रस्किन बॉन्ड, झेलम विश्वा, क्या इसका आंसर होगा, आंसर इज झेलम विश्वास बोस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो ये भी आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी गड़बड़ा गए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ नॉर्वे ऑन September 6, 2019? सॉरी
अच्छा जरा मुझे बताओ कि श्याम सर बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, जरा मुझे बताओ कि श्याम सर एज में बड़े हैं या मैं बड़ा हूं, कमेंट करना हाँ। श्याम सर, श्याम सर, चलिए आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? साई प्रसाद, बहुत हंसी आ रही है, सही है। और इसका आंसर होगा बी बाला भास्कर, ऑप्शन नंबर वन। तो ये नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के नॉर्वे में, ठीक है। चलिए, तनुजा बोल रही है आप, अच्छा आप बड़े हैं, वेरी गुड आप, अच्छा देखो देखो पहली बात, पहली बात देखो, हमारी दोनों शादीवादी हो गई है तो कोई मेंटेनेंस वाली बात नहीं करते हैं। श्याम सर बता आपको, श्याम सर का मैं स्टूडेंट रहा हूं, श्याम सर, श्याम सर, ठीक, पहली बात मतलब ये। दूसरी बात, श्याम सर मिर्जापुर में महिंद्रा की ब्रांच थी तो हम लोग ऐसे ही, हमारे कॉलेज के सामने था तो हम लोग ऐसे चले आते थे, तो श्याम को मैंने पहली बार वहां पे पढ़ाते देखा, रीजनिंग पढ़ाते देखा, तो श्याम को। उसके बाद मैं श्याम से मिला करियर पावर, तो श्याम को मैंने पहचान लिया, मैंने सर बोला, सर आप तो श्याम सर हैं, आप मिर्जापुर पढ़ाए हैं, तो श्याम सर शर्मा गया कि कैसे बोले कि हाँ पढ़ाए हैं, तो बताया कि हाँ पढ़ाए हैं, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन 28th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पेट इन बैंकॉक थाईलैंड। और यहां पर शुरुआती छिड़के के बाद पारी संभलती अधिकारी साहब की है ना। अरे प्रोफेसर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं बस। और प्रियंका बोल रही है आईएनएस एरावत, महिमा बोल रही है श्रादुल, श्रादुल है क्या, हाँ है, ठीक है। प्रोफेसर बोल रहे हैं आईएनएस श्रादुल, केशरी पल्लवी, केशरी एरावत, सबने अपना अपना नाम ले लिया। आंसर इज आईएनएस केशरी पढ़ाए, ये तो पढ़ाए हैं भाई, ये तो पढ़ाए हैं, आईएनएस केशरी इज राइट आंसर। देख लीजिए इंडियन नेवल शिप की बात करें, 28वां एडिशन इंडो इंडिया थाईलैंड। एक बात तो मैं कहूंगा, अगर आप मेरे सारे सेशन देख रहे हो और आपका मेन्स एग्जाम है तो एग्जाम के बाद आप मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है, कि आपने टाइम पर हमारी आंखें खोल दी। आईएनएस केशरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हां प्रवेश सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इंडिया एंड रशिया हैज तो देखो ये तो यार तुम लोगों को पता होगा, बस ध्यान देना किस, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहां पे घुमाता है एग्जैक्टली में, जैसे ये अभी आंसर हमको पता होगा लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स को आपको फोकस करना है। अंशुल तुम मसाला खाते हो क्या, जुबान केसरी बोल रहे, बहुत पता है तुमको है ना। गर्ल्स मसाला मतलब सब्जी मसाला नहीं, मसाला मतलब पान मसाला, पान मसाला। एक दिन मैंने आपको एक चुटकुला सुनाया था ना, एक कपल बैठे होते हैं बीच पर, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, शाम का समय होता है, सूरज डूबने वाला होता है, मतलब रोमांटिक माहौल। लड़की कब से लड़के से बोल रही है, लड़का जवाब नहीं दे रहा है, लड़की कब से लड़के से बोल रही है, लड़का जवाब नहीं दे रहा है, लड़की ने बोला क्या हुआ, तो उसने पानी आया, मतलब बीच बैठे तो पानी आया, पानी गया तो रेत गीली थी, तो उसने लिखा कि अपनी उंगली से मुंह में गुटखा है इसलिए बोल नहीं पा रहे, मैंने सुना था ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन इज राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज साइंड एन MOU विथ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल मतलब यूनेस्को टू इनहेंस। अभी देखो अभी मैंने रीजन कराया, कितना बढ़िया हमारा CA शो है, तुम लोग यार मतलब तभी नहीं खुश रहते मुझसे। बारे पल्लवी, पल्लवी एक स्टेप और बोल रही है, पल्लवी बोल रही है मसाला मतलब जर्दा। आंसर 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 चेतन मस्त्रो बालक मस्त्रो। चलिए आंसर की बात करते हैं, एंड द आंसर इज राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। तो राजस्थान इज राइट आंसर, राजस्थान इज राइट आंसर गाइस। हाँ प्रियंका मैंने आज ही अपने CA में रिवीजन कराया है, हाँ बिल्कुल 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Indian firm, along with Cupo Oil and Gas, has signed an agreement with Russia Joint Stock Company, Resgologia, to cooperate in the field of land and marine geophysical work in India? क्योंकि मतलब अभी मोदी जी रशिया गए थे, तो रशिया के रशिया से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं. देख लीजिए, तो विच इंडियन फर्म अलॉन्ग विथ क्यूपो आईएल एंड गैस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ रशिया ज्वाइंट स्टॉक. और यहां पर प्रियंका बोल रही हैं एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन श्योर नहीं है. और इसका आंसर क्या होगा? एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड. एक बात ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी के दो दौरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका इंपॉर्टेंट है यूएस का और एक इंपॉर्टेंट है रशिया का. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं. आपके सामने देख लीजिए यहां पर, हाउ मेनी एमओयूज वेयर साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो यह भी आंसर सिंपल है, करा चुके क्वेश्चन, इस पर भी आंसर क्या होगा? प्रियंका बोल रही है 30th, निशा बोल रही है 15, क्या ये सही आंसर है? प्रपेश सर बोल रहे हैं 30, प्रियंका बोल रही है 30, 100%, वेरी गुड. और इसका आंसर 30 है, जानते हैं हम लोग, 30 इज राइट आंसर. तो इंडिया रशिया के बीच में 30 एग्रीमेंट साइन हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें तो ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है. वी हैव 5 ऑप्शंस, आपको सही आंसर देना है इसका. हाँ प्रोफेसर, आपका एकदम सही है, एकदम सही. आपने ये भी लिखा था ना कि आपने पढ़ाया था, मैं देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं. अब सर सूरज को दिया तो दिखाते नहीं है प्रोफेसर, है ना? तो आप लोग सूर्य की तरह हैं, मैं क्या दिया दिखूं आप लोगों को. चलिए आंसर की बात करें तो खाता आपका खुल गया होगा, सेप्टेंबर 5, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग to micro, small and medium enterprises with ECL Finance Limited after Bank of Baroda. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही मैंने इसका revision कराया क्या financial MOUs में. चलिए सुष्मिता, कोई बात नहीं, अभी आगे तो कर लीजिएगा. और यहां पर विनोद दास बोल रहे हैं एसबीआई, प्रियंका बोल रही हैं एसबीआई, मीनू बोल रही हैं एसबीआई, जीवन बोल रहे हैं एसबीआई. आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर, कोई बात नहीं. हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की. आपके सामने देखिए, विच टू कंट्रीज साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT ऑन क्रिमिनल मैटर्स विच एम्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम. तो कौन से दो देशों ने एक म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट साइन किया है ऑन क्रिमिनल मैटर्स विच एम्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस इन इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम. और रिस्ट्रक्चर बोल रहे हैं इंडिया बांग्लादेश, प्रियंका बोल रही है इंडिया म्यांमार, रिया बोल रही है इंडिया मालदीव, प्रोफेसर बोल रहे हैं इंडिया श्रीलंका, अधिकारी साहब बोल रहे हैं इंडिया मालदीव, ललिता बोल रही है मालदीव, एंड द आंसर इज इंडिया एंड मालदीव, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. तो इंडिया और मालदीव हमारा सही आंसर है, बढ़िया, अच्छा है. आगे बात करते हैं गाइज और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने. तो व्हाट वॉज द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2019? 4th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2019, आंसर करिएगा क्या इसका आंसर होगा. चौथा एडिशन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा. अगर आप लोग ये बता दें कि 4th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ तो मैं और खुश हो जाऊंगा. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
सिक्योरिंग द इंडियन ओशियन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस. जरा मुझे ये बताइए कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ, जरा मुझे ये बता दिए प्लीज, ये कहां पर हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरा हो गया है. आप लोग जरा बताइए मुझे ये कहां पर हुआ मेरे आंसर देने के बाद. हाँ विनोद दास, वेरी गुड, ये माले मालदीव में हुआ. गाइज याद रखिएगा, ये मालदीव में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, सब लोग याद रखिएगा. चलिए अधिकारी साहब बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द इंडियन डेलीगेट हु विजिटेड मालदीव टू एड्रेस फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ओशियन कॉन्फ्रेंस. ठीक है, देख लीजिए, तो चौथे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये माले में हुआ, मालदीव में, तो इंडियन डेलीगेट को किसने, मतलब इंडिया की तरफ से कौन गया था एड्रेस करने के लिए, ये आपसे पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 30 गाइस आपके सामने, आंसर दीजिए फटाक से. और यहां पर आशीष मीना बोल रहे हैं, एस जयशंकर, विनोद दास बोल रहे हैं, एस जयशंकर, पल्लवी बोल रही है जयशंकर, ठीक है. आंसर इज सुब्रमण्यम जयशंकर जी, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, मतलब एक्सचेंज, मतलब सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन. विच टू कंट्रीज एग्रीड टू वर्क टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन. तो कौन से दो देशों ने मतलब साथ में मिलकर काम करने की बात बोली है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन. आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पे. क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात कर रहे हैं गाइस, आंसर फास्ट. और यहां पर जीवन ने बोला है इंडिया एंड रशिया, सुमित बोल रहे हैं इंडिया एंड रशिया, क्या ये सही आंसर है सुमित. विक्रम अधिकारी बोल रहे हैं इंडिया एंड साउथ कोरिया, आशा बोल रही है इंडिया एंड रशिया, सारे बच्चे बोल रहे हैं, प्रोफेसर ने बोला इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एंड द आंसर इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर है. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करने की बात बोली है. आगे बढ़े गाइस और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा देख लीजिए यहां पर. देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स नेम्ड शक्ति की मान्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिलीज बाय वेंकैया नायडू रिसेंटली. तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है, वेंकैया नायडू ने इसे रिलीज किया है. तो आंसर क्या होगा देख लीजिए, वी हैव 5 ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 32, और अभी आंसर देना है अगले क्वेश्चन का. निशा बेटा जल्दी करो. रोहित सिंह बोल रहे हैं निवेदिता राय, ठीक है. प्रोफेसर, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन दोबारा मैं करा रहा हूं. पल्लवी बोल रहे हैं दिलीप सिन्हा, विजित बोल रहे हैं टीसीए राघवन, यानी कि मिक्सर आंसर है. आंसर इज दिलीप सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2. दिलीप सिन्हा इज राइट आंसर, दिलीप सिन्हा इज राइट आंसर. ओके ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ये भी मैंने पढ़ाया है, आंसर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आंसर प्लीज जल्दी से फास्ट. क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज योर आंसर. जी हां, एंड द आंसर इज राघवेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34. Who won the silver medal in 1500 meter at the 78th edition of International Sepaktakwa Federation event 2019 held in Berlin, Germany and broke his own national record? ठीक है, तो इसमें से किसने सिल्वर मेडल जीता है 1500 मीटर रेस में एट द 78th एडिशन ऑफ ISTAF जो कि बर्लिन जर्मनी में हुआ, और इन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. नाम क्या है इनका. अधिकारी साहब ने बोला है जिनसन जॉनसन, रिया बोल रही है जिनसन, ठीक है. प्रवेश सर भी बोल रहे हैं वही चीज. रीस्ट वंशुल बोल रहे हैं अरपिंदर, एंड द आंसर इज जिनसन जॉनसन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. निशा बेटा अमित पंघल तो बॉक्सर है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं.
Who was appointed as the Eastern Army Commander on September 1, 2019? It is very simple question. मेरे ख्याल से सारे बच्चे इस question का सही answer देंगे. सारे बच्चे इस question का सही answer देंगे. What is your answer, guys? आकाशदीप बिल्कुल मैं स्क्रीन पर आऊंगा लेकिन तुम्हें मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करना पड़ेगा इधर उधर. हा क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज योर आंसर गाइस. अनिल यहां पे आंसर है अनिल अनिल चौहान. अनिल चौहान सही आंसर है. जी हां अनिल चौहान बिल्कुल सही आंसर है. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36. Which entity has appointed Praveen Jadhav as its managing director and chief executive officer? तो अगर आपने आज ही ध्यान से पढ़ा होगा सीए तो मैंने इनका नाम लिया था. अगर आज आपने सीए ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने इनका नाम लिया था. देखिए कहां पर आंसर दीजिएगा. अबे ये अंशु भाई ये क्या है AC1130 AC. हाँ जीवन नाम राम जॉनसन है बट दिल हिंदुस्तानी से तुम्हारा. जीवन नाम रोबोटिक है लेकिन दिल हिंदुस्तानी है. रावण जीवन एंड द आंसर इज पेटीएम. पेटीएम ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ठीक है बढ़िया. आज मैंने इसे पढ़ाया था सीए में अपने है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर्ड विथ अमेजॉन वेब सर्विसेज इन डेवलपिंग नेशनल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स पोर्टल टू डेवलप एंड प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग फॉर ऑल लर्नर्स एंड प्रैक्टिशनर्स. आंसर दीजिएगा. तो अमेजन के साथ किस आईआईटी ने एग्रीमेंट किया है. हाँ और आंसर क्या होगा इसका. इसका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर. इतिश्री का पहला आंसर सही. पल्लवी दूसरा सही और रीच टू अंशुल तीसरा. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द इंडियन नेवी वॉरशिप विच विजिटेड लोएम चैबैंग बैंकॉक थाईलैंड फॉर पोर्ट कॉल. तो कौन सा इंडियन नेवी वॉरशिप अभी बैंकॉक थाईलैंड गया था ये आपसे पूछा गया. वी हैव 5 ऑप्शंस. ये लोग आपस में कोड वर्ड में बात कर रहे हैं. अंशुल रॉ के एजेंट हैं और आकाश आईएसआई के एजेंट हैं. ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं. मैं भी मोसाद का बन जाऊंगा अभी एजेंट. ठीक चलो आंसर दो. एंड द आंसर इज आईएनएस सह्याद्री एंड किल्टन. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. तो आईएनएस सह्याद्री एंड आईएनएस किल्टन ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्नैक्स फेस्टिवल 2019 हिल. वेयर वॉज द इंटरनेशनल स्नैक्स फेस्टिवल 2019 हिल्स. विनोद दास बोल रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना. हैदराबाद एंड राइट आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली. और मुझे आप लोग इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी बताइए. मुझे आप लोग इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी बताएंगे. ठीक है बहुत बढ़िया अंशुल. चलिए आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 40th. हां फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है लियोन में. सही है. और अगर आंसर की बात करें तो जर्जन स्टॉक. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. जर्जन स्टॉक इज राइट आंसर. ठीक अच्छा ये आंसर नहीं दे रहे लोग. इंटरपोल के विषय पर गए हैं. फ्रांस लियोन फ्रांस लियोन.
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच फंड आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इंडिया टू द ग्लोबल फंड फॉर एड्स टीबी एंड मलेरिया फॉर द सिक्स्थ रिप्लेनिशमेंट साइकिल। आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पे। एंड द आंसर इज $22 मिलियन $22 मिलियन देख लीजिए। तो हाउ मच फंड, तो $22 मिलियन फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इंडिया टू द ग्लोबल फंड फॉर एड्स टीबी एंड मलेरिया। याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, आइए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। हु हेडेड द इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी दैट सबमिट द रिपोर्ट टाइटल्ड स्टीयरिंग कमेटी ऑन फिनटेक रिलेटेड इश्यूज 2019। ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसके। आंसर दीजिएगा। नहीं मनीष मान, एग्जैक्टली में वो एक होता है ना घरों में ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर स्टार्ट था, बंद हो गया अभी। एंड द आंसर इज अतानु चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ जापानीज एनर्जी मेजर जेरा टू बिल्ड 750 मेगावाट प्लांट इन बांग्लादेश ओवर द नेक्स्ट 22 ईयर्स। 750 मेगावाट प्लांट की बात हो रही है बांग्लादेश में, कौन बना हमको पता है, ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर इज रिलायंस पावर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, रिलायंस पावर इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द एशियाज फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर लॉन्च। ये मैंने आपको पढ़ाया, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पे, ध्यान से देखिएगा और आंसर ठीक करिएगा। और इसका आंसर क्या होगा, चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2019 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल इवेंट दैट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो बात यहां पर हो रही है कि विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2019 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं जो कि रियो में हुआ, ब्राजील में हुआ, किसने टॉप किया, इस कंट्री ने 9 मेडल जीता था, 9 मेडल, मैं आपको यही बता रहा हूं। ठीक, और आंसर क्या होगा, आंसर इज इंडिया। तो इंडिया टॉप पर रहा, इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते, 5 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की, विच सेक्टर इज सेट टू रिसीव ₹25,000 करोड़ फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उसका सही आंसर भी देना है। प्रियंका देखो, तुम लोग तो जानते हो बेटा सब मेंस मेंस दियो, कहां से क्वेश्चन आता है कहां से नहीं आता है। आई थिंक मतलब मैं तुमको समझाऊं ये शोभा भी नहीं देगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, निशा अप्रैल से पढ़ लो, अगर टाइम मिले तो फिर मार्च पढ़ लेना। आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज फेलिसिटेटेड विथ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट अवार्ड। देखिए, ये फ्रांस के फुटबॉलर थे, ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं, इनका नाम आपको बताना है।
इन्हें यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एरिक कैंटोना है, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, फ्रांस के फुटबॉलर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की आपके सामने। नेम द फर्स्ट मेजर ह्यूरिकेन ऑफ द 2019 अटलांटिक ह्यूरिकेन सीजन दैट अफेक्टेड द बहामास एंड द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट विथ मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड ऑफ 175 किलोमीटर पर आवर। गाइज एक बात और, इंडिया ने इसके बाद बहामास को एक अमाउंट भी दिया हेल्प करने के लिए, तो अगर आपको यह भी बताओ कि इंडिया ने बहामास को कितना अमाउंट दिया है हेल्प करने के लिए, वो भी मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। फिलहाल आंसर दीजिए इसका, और आंसर आ रहा है इसका बिल्कुल सही आ रहा है, विक्रम अधिकारी ठीक है, रिया ठीक है, प्रोफेसर ठीक है, सुमित ठीक है, आंसर इज एंकरिस डोरियन। मैंने इसमें एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा था कि इंडिया ने बहामास की हेल्प करने के लिए कुछ ग्रांट भी दिया है, अगर अमाउंट आपको बताए तो अमाउंट भी कमेंट कर दीजिएगा। इट्स $1 million। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज को करंटली एक्रीडिएटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ लेसोथो। तो किंगडम ऑफ लेसोथो में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए, यह आपसे पूछा गया है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 गाइस, आंसर आपको सही देना है इसका, देख लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जयदीप सरकार, ऑप्शन नंबर 3। तो जयदीप सरकार इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 50th। नेम द हेड ऑफ द 9-member panel, 9-member panel की बात हो रही है, विच इज फॉर्म इन ऑर्डर टू रिव्यू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3-year ओल्ड गाइडलाइंस ऑन ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस ड्यू टू द चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट। ये मैं खुद पढ़ा चुका हूं आपको, तो मुझे आपसे इसका सही आंसर चाहिए, तो मुझे आपसे इसका सही आंसर चाहिए। सही आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पे। अतुल सहाय, ये NISCL के भी हेड है ना, अतुल सहाय, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं आपके सामने, देखिए यहां पर, हाउ मेनी इयर्स ऑफ जेल टर्म इज प्रपोज फॉर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एज पर द ड्राफ्ट बिल टाइटल द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल 2019। यानी कि डॉक्टरों पर जो हमला हो जाता है, मतलब छोटे मोटे शहरों की बात करें तो यार यहां पर क्या होता है ना कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं नहीं, और अगर मतलब अगर अगर कोई पेशेंट गया हॉस्पिटल में और उसे अगर मतलब वो ज्यादा बीमार हो गया जाने के बाद या उसकी डेथ हो गई, तो डॉक्टरों की शामत है भाई लोग। मतलब कितनी बार तो ऐसा हुआ है, पिताजी के एक दोस्त हैं, और कितनी बार ऐसा केस हो चुका है, मतलब हम लोग, अब तो मैं फिर बाहर नहीं लगा, तो मैंने अपने सामने देखा भी था कि पिताजी लोग को फिर जाना पड़ता था, सबको जाना पड़ता था, तो ये बड़ा खराब केस था। चलिए फिलहाल अच्छा, गवर्नमेंट ने बढ़िया कदम उठाया, एंड द आंसर इज 10 साल है अधिकारी साहब, तो 10 years, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बढ़िया, अच्छी बात है गाइज, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड पेंटिंग्स ऑफ लोनार लेक टू आइसलैंड प्रेसिडेंट जोहानसन। लोनार लेक इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो अगर आप मेरा स्टैटिक वाला पोर्शन देखते हैं तो मैं ये पढ़ा चुका हूं लोनार लेक किस झील में है, तो आई थिंक आप लोगों इसका सही आंसर देंगे। आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात कर रहे हैं, और रिया बोल रही है, सॉरी तो हो गया, महिमा बोल रही है महाराष्ट्र, क्या ये महाराष्ट्र में है? रिया भी बोल रही है महाराष्ट्र, रीच टू अंशु भी बोल रहे हैं, मीनू यादव भी बोल रही है, एंड द आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंज्यूमर लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर्ड विथ पेयू
टू ऑफर कार्डलेस ईएमआई पेमेंट ऑप्शन टू कंज्यूमर्स, कार्डलेस ईएमआई पेमेंट ऑप्शन टू कंज्यूमर। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पेयू के साथ किसने एग्रीमेंट किया है, देख लीजिए, वी हैव फाइव ऑप्शंस, व्हाट इज योर आंसर? अभिजीत देव, कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करें यार, तो देखो अगर कंप्यूटर की बात करें तो मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, नेट वेट पर क्वेश्चंस बहुत पड़े हैं वो सब देख लो, और अपने अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज होते हैं, फ्री लेसंस देख लीजिएगा उसे भी। एंड द आंसर इज जिस्ट मनी, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, पेयू एंड जिस्ट मनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एंटिटी दैट हैज पार्टनर्ड विथ वीजा इनकॉर्पोरेशन, द वर्ल्ड्स लीडर इन डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी, टू लॉन्च SI मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हब टू मेक रिकरिंग पेमेंट यूजिंग कार्ड्स विथ अ वन टाइम एनरोलमेंट। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, विनोद दास बोल रहे हैं बिल्डेस्क, ठीक है, प्रोफेसर भी बोल रहे हैं, निशा भी बोल रही है, रीच ट्वेंशल बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं आंसर इज बिल्डर्स, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इयर्स लॉक इन पीरियड वॉज वेव्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन NRI इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो हमारे देश में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विदेशों से भी पैसे लेते हैं बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें लॉक इन पीरियड लगाया हुआ था कि अगर कोई NRI इसमें निवेश करता है तो इतने साल के बाद ही वो पैसा निकाल सकता है, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी वो लिमिट हटा दी है। और आपको इसका सही आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? विनोद दास बोल रहे हैं तीन साल, जीवन बोल रहे हैं पांच साल, विक्रम अधिकारी बोल रहे हैं पांच साल, रिश्त अंशुल तीन साल, रिया बोल रहे हैं तीन साल, मीनू बोल रहे हैं तीन साल, एंड द आंसर इज थ्री इयर्स, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। चलिए, सागर भी हमारे बीच में है और ये सागर की इमेज रॉक माइकल से मिल क्यों रही है इतनी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है गाइस, हमारे पास तीन मिनट है, तीन से चार मिनट अभी है, तो आप लोग जा भी सकते हैं, जो भी रुकना चाहे वो रुक सकता है, वो आपके ऊपर है, बहुत देर से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सितंबर का सेशन था और हमें कहां पे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बात कर ली, ठीक है। अब मेरे बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा जो कि आपके RRB के एग्जाम में पूछा जाता है, जा चुका है, ठीक है। मुझे सबसे पहले आप लोग क्या बताएंगे, मुझे सबसे पहले आप लोग RRB के एग्जाम के क्वेश्चन की बात करेंगे, मुझे आप लोग डी का फुल फॉर्म बताएंगे, मुझे आप लोग डी का फुल फॉर्म बताएंगे, पहला क्वेश्चन मेरा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, मुझे बताइए स्टॉक मार्केट किसका पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है? पहला ऑप्शन मनी मार्केट, दूसरा ऑप्शन कैपिटल मार्केट, अपने ऐसे करते रहिए, तीसरा ऑप्शन इन्वेंट्री मार्केट, चौथा क्वेश्चन कमोडिटी मार्केट, ये लास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और उसके पहले के, ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन नन ऑफ दीज है। चलिए आंसर, दोनों क्वेश्चन कैसे दिए पहले? शिखा थैंक यू सो मच बेटा। तो NCDEX का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा और इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। आपके एग्जाम में पिछले दो सालों में यह क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन की स्टॉक मार्केट किसका पार्ट है, मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, इन्वेंट्री मार्केट का और CM का, मैंने कमोडिटी मार्केट का, ये बोलना है। देखिए तो गाइज, स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है शेयर, स्टॉक का मतलब होता है शेयर, और शेयर मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट, हम लोग जानते हैं कैपिटल मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मुझे बताइए एक क्वेश्चन और, रेसिडेक्स, ये इंडेक्स किसका इंडेक्स है, रेसिडेक्स किसका इंडेक्स है, रेसिडेक्स किसका इंडेक्स है, एक क्वेश्चन और आपके सामने, रेसिडेक्स किसका इंडेक्स है, एक क्वेश्चन और आपके सामने, आपके एग्जाम में पिछले दो सालों में RRB के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर L का मतलब क्या है, फुल फॉर्म वाला पार्ट है। देखिए गाइस, अगर हम रेसिडेक्स की बात करें तो यह क्या है, यह एक इंडेक्स है, रेसिडेक्स एक इंडेक्स है जो कि हमारे देश में
प्रॉपर्टीज की वैल्यू बताता है कि किस शहर में प्रॉपर्टी के दाम क्या चल रहे हैं। और रेसिडेक्स जो है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो नेशनल हाउसिंग बैंक, तो नेशनल हाउसिंग बैंक का ये अपना इंडेक्स है। आपके एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, एनडीटीएल में, एनडीटीएल में किसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, मैं एल का आपसे पूछ रहा हूं, एनडीटीएल में एल का फुल फॉर्म, तो आपको पता है ये क्या होता है बेटा, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, आपको ये पता है। आपके एग्जाम में रेपो रेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि रेपो रेट कितना चल रहा है इस समय, तो रेपो रेट कितना चल रहा है मतलब आपको मॉनेटरी पॉलिसी के सारे रेट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अभी अक्टूबर आ गया है और मेरे ख्याल से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही चेंज रेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल रेपो रेट कितना चल रहा है तो आपको पता होगा, सारे बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, एनबीएफसी की बात करें, ठीक है, एनबीएफसी की हम बात कर रहे हैं, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हमारे देश में है, तो एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन नया बना था, हाँ, एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन जो हमारे देश में होते हैं, तो एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन किस तरह के एनबीएफसी की ही कंप्लेन अभी सुन रहे हैं। तो गाइज याद रखिएगा, एनबीएफसी हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं उधार देने वाले और एक होते हैं पैसे डिपॉजिट करने वाले। तो राइट नाउ अगर एनबीएफसी की बात करें तो वो एनबीएफसी जो केवल डिपॉजिट लेते हैं उनके कंप्लेन ही सुन रहा है एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि एनबीएफसी ऑम्बुड्समैन में अवार्ड का प्राइस कितना है, तो अवार्ड का प्राइस 10 लाख रुपए, यह भी हमको शायद याद अच्छे से होगा, 10 लाख रुपए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये है सी लिखा है, ठीक है, सी का फुल फॉर्म, पिछले 2 सालों में जो क्वेश्चन आया मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा कि पीएसएलसी में सी का मतलब क्या है, पीएसएलसी में सी का मतलब क्या है गाइस। और एक बात मैं आपको और बताऊं, पिछले 2 सालों में मतलब लास्ट ईयर की बात करें तो एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हुई थी, तो आपसे पूछा गया था मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर कितना होना चाहिए, इस 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा। पल्लवी, इट्स पीएसएलसी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एक वो क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की बात करें तो एमएसएमई में मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कितनी नेटवर्क, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, यह आपसे पूछा गया था, आपको उसका आंसर देना है। हाँ आशीष, वेरी गुड, 275 to 250 crore rupees, वेरी गुड। चलिए तो गाइज याद रखिए, अभी तो आरआरबी का भी रिजल्ट आ चुका है, एएम लाइव कोड, ये मेरा कोड, इसको अप्लाई करके आप हमारे कोर्सेस, मेरे कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, देख लीजिए। और अगर हम बात करें गाइज आगे तो कोई भी एग्जाम देने जाओ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम में एएम लाइव कोड का आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिए, होप कि आपको आज के सेशंस अच्छे लगे होंगे, आपको बढ़िया नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही आते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारे चैनल में ग्रोथ में आप भी पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू सो मच गाइज, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच गाइज।